सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे बिहार में चमकी बुखार के कहर से मृत हुए मासूम बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री द्वारा कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं करने एवं इस मामले में चुप्पी साधने को लेकर मुजफ्फरपुर शहर के भगवानपुर गोलंबर पर युवा संघर्ष शक्ति संगठन द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी सहित बिहार के 40 सांसद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान मार्च का नेतृत्व कर रहे संगठन के संयोजक अनय राज ने कहा कि पूरे बिहार में चमकी बुखार से अनेकों मासूमों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला में अब तक इस बीमारी से सैकड़ों से अधिक बच्चों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा इन बच्चों के प्रति कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मासूम की मौत पर मौन रहना सरकार की विफलताओं का निशानी है। इस दौरान मुख्य रूप से सुषमा भारती, जुनैद हसन, मोहम्मद खालिद आजाद, राजेश कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज बिहार के 40 सांसद का और प्रधानमंत्री और उनके तीनों स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन इसलिए किया गया है कि छोटी सी घटना घट जाती है, एक खिलाड़ी के पैर में चोट लग जाता है तो प्रधानमंत्री और पूरा मोदी सरकार सदमे में आ जाता है। और हमारे मुजफ्फरपुर के 200 न जाने वो सैनिक में जाते, सेना में जाते, साइंटिस्ट बनते, किसी गरीब के घर का चिराग था, असियाना था, 200 से ऊपर माओं का संसार उजड़ गया और मोदी जी नींद से नहीं जगे। उनके सरकार के जो मंत्री हैं वो मंत्री भी जब यहाँ पे आए निरीक्षण करने के लिए तो नींद में सोए हुए थे। और 200 मौत के बाद भी आज तक ले मेडिकल की सुविधा सुधरी नहीं है, तो हम लोगों का सीधा सीधा मांग है कि मेडिकल को एम्स का दर्जा दिया जाए। और जो 200 माओं का चिराग छीना गया है क्योंकि सरकार की लापरवाही से ये मौतें हुई है, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और सभी को केंद्र सरकार 10 लाख रुपया दे और साथ ही उनके आश्रितों को, परिवार को एक को सरकारी नौकरी दे। क्योंकि सरकार की लापरवाही है, सरकार को संज्ञान में और अपना दायित्व अपने स्वीकारना होगा और आगे न घटना घटे इसके लिए इसको एम्स का दर्जा दिया जाए, ताकि उत्तर बिहार का इकलौता अस्पताल है। यही हम लोग का मांग है। अरे दिल्ली की वो उनके घर पर हम लोग पुतला फूंक रहे हैं, यहाँ से 200 कदम पे उनका घर है। वो इतनी बेशरम सांसद है, उनका जो रिकॉर्ड है उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कांटी में, मोतीपुर में दर्जनों मौतें हुई है, जहाँ पे डीएम साहब के द्वारा, बीडीओ साहब, सीओ साहब के द्वारा चेक वितरण किया गया है। सरकार मान रही है कि मौतें हुई है और वो कह रहे हैं मौत नहीं हुई है। तो ऐसा निर्दयी सांसद, ऐसे सांसद को हम लोग नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये मुजफ्फरपुर के लिए, बिहार के लिए ये सदमा का घटना है कि सदमा में नेता जिसको हम चुने हैं वो नेता एसी और योग और भोग में लगा हुआ है और जनता सड़क पर तरफ तरफ के मर रहा। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक।